अरे जगदीश भाई, 3 पिन के प्लग देना, 6 पीस और एक बंडल वायर। इसकी गारंटी भी नहीं है बॉस, कुछ अच्छा वाला दे दूँ? अरे जगदीश भाई, क्या फर्क पड़ता है, चलता है। अरे कस्टमर को देना है तो कुछ अच्छा बोल के दो, आपको इसकी गारंटी भी मिल रही है। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता है जगदीश भाई। फर्क पड़ता है और आगे भी पड़ता रहेगा अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा ना। तो दोस्त, मेरे ख्याल भी कुछ ऐसे ही थे, कुछ ऐसे ही सोचता था मैं भी तुम्हारी तरह काम करता था। इलेक्ट्रिशियन हूं, मतलब था। अरे भाई, इस घर में चाय वाय बनती है कि भी नहीं? हाँ बस ला रही हूँ चाय। हाँ सर बोलिए ना। हाँ हो जाएगा, अभी आपको जितने पॉइंट बदलवाने हैं वो हिसाब से चार्ज लगेगा। हाँ लेकिन वायर पूरी बदलवानी पड़ेगी। हाँ ठीक है, आप एड्रेस बता दो। हाँ ओके ओके ओके। चाय। हमारा गीजर भी कब से खराब है, आप एक बार देख लीजिए ना, जब भी चलाते हो एक अजीब सी बदबू आती है। अरे वो कुछ नहीं है, वायरिंग खराब हुई है, मैं कल करवा देता हूँ। आप 3 दिन से यही बोल रहे हैं। मुन्नी मुन्नी क्या कर रही है मेरी मुन्नी? बाबा चॉकलेट लेके आते हैं। आप कल इसे दूध पिला देना। चलो हाँ भाई, 1.5 mm का 12x12 meter का 2 वायर, 2 रेगुलेटर और 3 स्विच बॉक्स देना पटापट। ये लो आपका स्विच बोर्ड, ये वायर 1.5 mm का और ये रेगुलेटर। अरे भाई ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, जो रेगुलर लेके जाता हूँ ना वही देना। अरे भैया ये उससे बढ़िया है, इसको भी लेके देखिए, और तो और इस पर गारंटी भी है। अरे भाई कोई फर्क नहीं पड़ता गारंटी वारंटी का, जो चल रहा है वही चला। हाँ जल्दी निकालो फटाफट। हाँ बोल। हाँ जी। हाँ कौन चाहिए आपको? भाविया, भाविया तेरे घर पे आग लग गई। अरे भाविया तेरे घर पे आग लग गई। भाविया किससे मिलना आपको? अरे भाविया, भाविया तेरे घर पे आग लग गई। भाविया
मैंने एक दिन की देरी कर दी। अगर उस दिन मैं अच्छे क्वालिटी का वायर यूज करता ना तो मेरा घर नहीं जलता। बीवी बच्चे बच गए लेकिन हम सारे लोग रास्ते पे आ गए। मैं नहीं चाहता कि हमारी गैर जिम्मेदारी किसी और की जिंदगी का खतरा बनने की वजह बने। तुम लोग कहते हो ना कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम्हें इस बारे में अच्छी तरह से पता ही नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि आप इसके बारे में अच्छी तरह से समझे और इस ट्रेनिंग सेशन के कार्यक्रम का एक हिस्सा बने। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू द केईआई इलेक्ट्रिशियन मीट मुंबई। आप सभी का स्वागत है इस इंफॉर्मेटिव सेशन में। अगले कुछ समय मैं चाहूंगा कि आप मेरी बात ध्यान से सुने, उसके बाद जो आपके मन में डाउट्स हैं या प्रश्न हैं वो आप मुझसे पूछें। आजकल क्या हो रहा है शहर में? आज यहां आग लग गई, कल वहां आग लगी थी, अभी कुछ महीने पहले एक होटल में आग लगी थी। एक अजीब सा डरावना माहौल बन गया है। वर्ल्ड फायर स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक इंडिया में 25,000 लोग हर साल आग से मरते हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा। और ये एक्सीडेंट्स हर साल 5% बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले लोगों को आतंकवाद का खतरा था और अब आग का खौफ मन में बैठ गया है। देखिए, यह डर स्वाभाविक है। क्या आपको नहीं लगता है कि यह डर का कारण, यह आग का कारण कहीं हम जैसे लोगों की लापरवाही है? अधिकतर केसेस में आग लगने का कारण इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का अनदेखा करना है। तो आइए आज हम समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स के बारे में, वायरिंग एक्सपर्ट्स के नजरिए से, मतलब कि आपके नजरिए से। देखिए, वायरिंग करना तो ठीक है लेकिन सही ढंग से वायरिंग करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान कभी संपूर्ण नहीं होता है, जितना मिले उतना लेते जाइए, एटलीस्ट कुछ नहीं तो दूसरों से तो बेहतर बनेंगे आप। तो आइए समझते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सिलेक्शन ऑफ वायर साइज। वायर की साइज डिपेंड करती है लोड की रिक्वायरमेंट और जरूरत, कितना लोड है, आगे कितना लोड जाने वाला है, यह जानना बहुत जरूरी है। अगर कम लोड कैपेसिटी की वायर यूज की तो ओवरलोड की प्रॉब्लम हो सकती है। वायर के हर एक बॉक्स पर वायर की करंट कैरिंग कैपेसिटी लिखी होती है। वायर इंसुलेशन। इंसुलेशन वायर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, इसलिए हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इंसुलेशन में रिसाइकल्ड पीवीसी उपयोग ना की गई हो। अशुद्धियों के कारण इंसुलेशन कमजोर हो जाता है, लीकेज करंट की वजह से आग लगने का खतरा बना रहता है। केईआई के पास खुद की अपनी पीवीसी कंपाउंड बनाने की मशीनरीज हैं और हम क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते, इसलिए हमने इसकी शुरुआत की। टर्मिनेशन। सारे वायर्स के सिरे जो किसी सॉकेट से या अप्लायंस से कनेक्ट होने वाले हैं उन्हें प्रॉपर कॉपर लग से कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अधिकतर केसेस में आग टर्मिनल पर लूज कनेक्शन की वजह से लगती है और इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अवॉइड ज्वाइंट्स। लोड और स्विच के बीच के वायर में ज्वाइंट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसी ज्वाइंट से लीकेज करंट, ओवरहीटिंग होती है जिससे आग लगने का खतरा बना रहता है। कलर कोडिंग। स्टैंडर्ड्स के हिसाब से
वायर्स के कलर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। रेड, येलो, ब्लू फेस के लिए, ब्लैक न्यूट्रल के लिए, ग्रीन अर्थिंग के लिए और ग्रे इन्वर्टर के लिए यूज करना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई दूसरा इलेक्ट्रीशियन काम करे तो उसे असुविधा ना हो, परेशानी ना हो। इंस्टॉलेशन, वायरिंग अगर सही तरीके से की गई है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंसील वायरिंग के लिए पाइप का इस्तेमाल करें और सरफेस वायरिंग के लिए केसिंग पट्टी का इस्तेमाल करें। यह सुरक्षित भी है और दिखने में भी अच्छी लगती है। यूसेज ऑफ प्लग्स। अच्छा, यहां हमें एक बात बताइए कि आप लोगों में से कौन सुपरमैन है? ऐसा कोई जो वायर को डायरेक्ट सॉकेट में डालकर काम करता हो? मत कीजिए, अपनी जान जोखिम में मत डालिए। कॉर्ड को हमेशा प्लग के साथ इस्तेमाल कीजिए, यही एक सुरक्षित तरीका है। सर्किट हेल्थ। अच्छा, एक बात बताइए, हमारे घर की वायरिंग भी सही होनी चाहिए। निम्न स्तरीय तथा नॉन ब्रांडेड वायर का इस्तेमाल पूरी वायरिंग सिस्टम के लिए नुकसानदायक हो सकता है, अतः हमें सर्टिफाइड और ब्रांडेड वायर ही इस्तेमाल करना चाहिए। वायर फ्लेक्सिबिलिटी। वायर की फ्लेक्सिबिलिटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। ऐसे वायर्स को आसानी से पाइप में खींचा जा सकता है, मोड़ा जा सकता है। मल्टी स्ट्रैंडेड वायर ज्यादा फ्लेक्सिबल और अच्छी करंट कैरिंग कैपेसिटी रखता है। डू नॉट टच लाइव वायर्स। जैसा कि अभी हमने देखा कि हमारे यहां बहुत सारे सुपरमैन्स हैं, कोई कोई तो ऐसे हैं जो सर्किट चालू रख के काम करते हैं। प्लीज ऐसा मत कीजिए, अपनी लाइफ की कदर कीजिए। इंसुलेटेड ग्लव्स और शूज पहनिए। मेन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन को ऑफ कीजिए, फिर काम कीजिए। वायर टाइप्स। सार्वजनिक जगहों पर, कमर्शियल बिल्डिंग्स में, बंद जगहों पर या फायर प्रोन जगहों पर हमेशा FRLS या जीरो हेलोजन वाली वायर्स ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ये वायर्स आग लगने पर हानिकारक गैसेस और धुआं नहीं छोड़ते। इस कारण आग लगने की स्थिति में हम वहां से सुरक्षित बाहर निकल सकते हैं। ऐसी मीट्स हम रेगुलर करते रहें और आप जैसे शिक्षित इलेक्ट्रिशियंस को और नॉलेज दें, इस आशा के साथ कि अगली बार मीट में अपने और दोस्तों को भी आप लाएंगे। KEI परिवार की तरफ से धन्यवाद। कुछ अच्छा और सच्चा काम करना चाहते हो ना, तो इसे समझो, कुछ सीखो, क्योंकि इसके ऊपर कई जिंदगियां निर्भर है। हम किसी की जिंदगी के साथ नहीं खेल सकते, और फर्क तभी पड़ेगा जब तुम आगे बढ़ोगे।